हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका. आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है फास्ट फूड डाइटरी हैबिट्स, यानी यहाँ पे हम स्पेशली जंक फूड के बारे में बात कर रहे हैं. जो खाना आपका फैट्स में बहुत रिच है, शुगर है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, यूजुअली जितने यंगस्टर्स हैं, इनफैक्ट आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग सबसे ज़्यादा जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं. लेकिन ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं. अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएँ, कभी भी बीमार पड़ें या इतनी ओबेसिटी आप लोगों में देखते हैं, मोटापा है, इन सब का रीज़न फास्ट फूड है. फैटी लिवर आजकल बहुत से लोगों को हो रहा है. एक तो फैटी लिवर आपका अल्कोहल की वजह से होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फूड की वजह से होता है, जो कि स्पेशली उसका रीज़न क्या रहता है, फास्ट फूड. तो इसी पे आज हम बात करेंगे. मेरे साथ वीडियो अपडेट्स और क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ स्टडी आई क्यू प्रीमियम कंटेंट के बारे में. ये कोर्स आप हमारा 159 पर मंथ में खरीद सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं. यहाँ पे आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो बाकी के सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलती. एक्सक्लूसिव प्रीमियम वीडियोस बाय डॉक्टर गौरव गर्ग, डेली करंट अफेयर्स, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, मंथली बेस्ट 200 करंट अफेयर्स बाय प्रशांत धवन, मंथली कंपाइलेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स एंड आईआर इश्यूज बाय डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, मंथली 5 प्रीमियम वीडियोस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. चलिए आज के टॉपिक का रेलेवेंस की बात करें तो मेंस पेपर 2 हेल्थ एंड एजुकेशन में टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव लेवल पे फास्ट फूड क्या है, जंक फूड क्या है, आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव लेवल पे FSSAI रेगुलेशंस जो हैं फास्ट फूड पे वो क्या हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. अब देखिए आज हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. पहले तो चलिए FSSAI का फुल फॉर्म मैं आगे आपको बताऊंगी. अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. उन्होंने रिसेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है वो बाहर निकाला है, नोटिफाई किया है. यहाँ पे जो लोगों की डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने की आदतें हैं जो, उनको लेके उन्होंने कुछ रेगुलेशंस को निकाले हैं कि हमको अपनी खाने की हैबिट्स को चेंज करना चाहिए. ये रेगुलेशंस क्या हैं तो देखिए, पहला है बैन ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, कि जितने भी आपके ये फूड्स हैं, आप एड्स देखते हैं बहुत सारे जंक फूड की, पिज़्ज़ा की एड्स देख रहे हैं, बर्गर की एड देख रहे हैं. अगर लोग ये एड्स देखेंगे तो डेफिनेटली उनको खाएंगे भी तो, और ऑब्वियसली ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे बैन लगाने की बात करिए कि इस तरह के जो एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सेल्स हैं, उस खाने पे, वो वाला खाना जो कि फैट में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट में रिच है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है या बहुत ज़्यादा सॉल्ट है. और बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, स्कूल प्रमाइसिस में इस तरह की एड्स लगी होती हैं, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है. तो यहाँ पे प्रोहिबिट, मना किया जा रहा है सेल और एडवर्टाइजमेंट ऑफ फूड, कि इस तरह का जो खाना है और उसकी जो एड्स हैं, स्कूल्स के अंदर वो नहीं मिलेंगी और ना ही उनके स्कूल्स के 50 मीटर्स के आसपास इस तरह की एड्स और ये खाना नहीं होना चाहिए. उस पर बैन लगाने का जो ड्राफ्ट है, जो रेगुलेशन है, वो यहाँ पे बात की जा रही है. दूसरा है प्रमोट अ बैलेंस्ड डाइट, कि ये सब पे एड्स पे पैसे खर्चने से अच्छा आप बैलेंस्ड डाइट को प्रमोट कीजिए. जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे स्पेशली स्कूल्स को एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों पे इन चीज़ों, इन एड्स का, इस तरह के खाने का सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमको देखने को मिलता है. तो यहाँ पे टारगेट भी स्कूल्स को किया जा रहा है, उनको एनकरेज करना है और प्रमोट करना है एक सेफ और बैलेंस्ड डाइट. दूसरा, बैन ऑन एन अनहेल्दी फूड्स. एक तो हम उनके एडवर्टाइजमेंट्स और सेल्स पे बैन लगा रहे हैं, दूसरा अनहेल्दी जो फूड्स हैं उनको ही हमको बंद कर देना चाहिए. जो बच्चे हैं जो कंज्यूम करते हैं अनहेल्दी फूड, इस तरह की आइटम्स, स्नैक्स खाते हैं, तो FSSAI ने बोला है जो फूड कंपनीज़ हैं जो इस तरह की आइटम्स को बनाती हैं, एडवर्टाइज करती हैं स्कूल प्रमाइसिस में और उसके विद इन 50 मीटर ऑफ कैंपस में, उनके खाने को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए. दूसरा, इसके बाद फोर्थ नंबर पर बोल रहे हैं नो ब्रांडिंग. इसका मतलब जो फूड कंपनीज़ हैं, जो फूड कंपनीज हैं जो कि इस तरह का अनहेल्दी खाना बेचती हैं, उनके देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगोज़ हैं, उनके ब्रांड नेम्स हैं, उन जो बच्चों की किताबें हैं उनका प्रोडक्ट नेम, उनकी ब्रांडिंग जो है किताबों पे नहीं होनी चाहिए, ना ही जो बाकी का एजुकेशनल मटेरियल है उसमें इस तरह के खाने की कोई भी ब्रांड का नाम शामिल होना चाहिए. और उसके बाद जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, जो स्कूल की बसेस हैं या एथलेटिक फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी इनकी ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट. उसके बाद हेल्थ रिकमेंडेशंस की बात की है कि ये जो एजेंसी है यहाँ पे, ये ऑब्वियसली बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी फूड को प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों को क्या खाना चाहिए. होल ग्रेन्स हो गए, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मिलेट्स हो गए, इस तरह की डाइट जो है वो रेगुलरली
अपने खाने में लानी चाहिए. उसके बाद अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस जो है, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स जो खाने में, खाने की जो स्कूल की कैंटीन्स हैं वहाँ पे दिए जाएंगे, वहाँ पे वो अप्रूवल दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि किस तरह का खाना देना है. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. वैसे तो किसी भी की, चाहे वो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं, किसी को भी अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. अगर खाना भी है तो यू नो, जैसे जिम जाते हैं जो लोग चीट डे होते हैं, उस तरीके से अपना कोई दिन रख लीजिए. बट यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे आजकल फास्ट फूड, डेली बर्गर्स, पिज्ज़ा एंड जो जो चीज़ें, नूडल्स, चाइनीज़, जितना आपका ये फास्ट फूड में आता है, ये लोग कंज्यूम करते हैं, जिससे हेल्थ बच्चों की, एडल्ट्स की, सबकी एक डिट्यूरेट हो रही है. उसके बाद देखिए ये चेंज जो है, ये शिफ्ट इन डायरेक्शन क्यों हो रहा है. पहला तो एक कोर्ट ऑर्डर है, 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल एजेंसी को कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जो कि हेल्दी डाइट स्कूल्स में उसको प्रमोट किया जाए. देखिए यहाँ पे बार बार मैं स्कूल्स की बात क्यों कर रही हूँ, देखिए एडल्ट टीनेजर्स जो हैं उन पर इफेक्ट होना मुश्किल है, उनको कोई चीज़ आप समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगी. लेकिन हम बच्चों को अगर टारगेट करेंगे, क्योंकि कल को वही टीनेजर्स और वही एडल्ट्स बनेंगे, वही इस को संभालेंगे, तो कोई भी चीज़ अगर हमें शुरू करनी है तो बच्चों से करनी चाहिए. तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह के कोर्ट ऑर्डर भी आए थे कि स्कूल ने, कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसीज को डायरेक्ट किया था कि आप इस तरह के नॉर्म्स लेके आइए कि हेल्दी डाइट जो है वो बच्चों में प्रमोट करें. उसके बाद आ गया आपका माल न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अराउंड 7 लाख से ज़्यादा जो डेथ्स हैं बच्चों में 5 साल से नीचे इंडिया में, 2017 का डेटा देखें, 7 लाख से नीचे ऑलमोस्ट 68% जो डेथ्स हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई कि बच्चों में न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं होती. उसके बाद ओबेसिटी की बात करें, इंडिया में स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन, बहुत सारे स्टेट्स में ओबेसिटी की, जो मोटापे की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. इनफैक्ट जुलाई 2017 की एक स्टडी थी इंडिया में, तो यहाँ पे बोला कि इंडिया में सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ ओबीज चिल्ड्रन जो हैं, पूरे जो 195 कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर किया जाए तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जिनमें ओबेसिटी है वो इंडिया में पाए जाते हैं. इनफैक्ट मोर ओवरवेट चिल्ड्रन भी यहाँ पे पाए जाते हैं. रीसेंट स्टडी थी, 23 स्टेट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया. चाइल्ड ओवरवेट प्रेवलेंस जो है नेशनल एवरेज, वहाँ पे भी इंडिया जो है काफ़ी हाई रैंक पे है कि ओवरवेट चिल्ड्रन भी बहुत यहाँ पे पाए जाते हैं. 6 स्टेट्स में हमारी ऑलमोस्ट 20% प्रेवलेंस ओवरवेट बच्चों का है. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डाइट्स की अगर बात करें, बहुत सारी स्टडीज़ ने ये दिखाया कि वेस्टर्न डाइट के जो इफ़ेक्ट हैं, जो कॉम्पोजिशन है या जो गट बैक्टीरिया है, डाइवर्सिटी है जो गट बैक्टीरिया की, यहाँ पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिजीज़ बच्चों में होती हैं वेस्टर्न डाइट्स की वजह से. इसलिए डाइट कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आज का जो वीडियो है ये हमारा ऑब्वियसली एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तो है ही, लेकिन ये अवेयरनेस पर्पज़ के लिए भी है कि अगर आप लोग इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए. अब चलते हैं हम कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने. एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं ये जो सेल्स हो रही हैं या प्रमोशन हो रहा है अनहेल्दी फूड का नियर स्कूल्स में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए टोबैको प्रोडक्ट्स के सेल और एडवर्टाइजमेंट पे भी बैन लगाया गया था कि 100 yards जो हैं स्कूल के आगे पीछे वो प्रोहिबिटेड रहेंगे, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट नहीं भेजा जाएगा. लेकिन आप देखें बहुत ज़्यादा वॉयलेशन जो है इसकी होती है. आज भी दुकानें हैं जो बेचती हैं स्कूल के पास और उनके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लेता, राइट. तो इनफैक्ट अगर हम इस तरह का कोई बैन भी लगा देंगे तो भी जो अनपैकेज्ड फूड हैं, अनहेल्दी फूड हैं, ये लोग बेचते रहेंगे. जो टोबैको पे लगाम नहीं लगा पाए वो खाने पे लगाम कैसे लगाएंगे. उसके बाद इनकलकेटिंग हैबिट्स की, कोई भी हैबिट है वो घर से शुरू होती है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालें. तो देखिए इस तरह से गवर्नमेंट ने एक मूवमेंट भी शुरू की थी, मूवमेंट का नाम था द ईट राइट मूवमेंट. ये जो मूवमेंट है ये आपके एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे ये FSSAI, अब देखिए इसकी फुल फॉर्म आ गई है यहाँ पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने यहाँ पे द ईट राइट मूवमेंट जो है इसको लाया था. ये दो इसके ब्रॉड पिलर्स थे कि पहले तो आप हेल्दी खाना खाइए और सेफ खाना खाइए. तो इस प्रोग्राम का मेन एम यही था कि सिटीजन्स को एंगेज करेंगे, कि यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जितने सिटीजन्स हैं सबको टारगेट किया जा रहा था ताकि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और वेलबींग यानी फूड चॉइसेस अपनी बहुत ध्यान से बनाएं.
यहाँ पे ये अवार्ड, ये जो पूरा मूवमेंट है शुरू कराया गया था राजकुमार राव से, ये जो एक्टर है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है. यहाँ पे फूड इंडस्ट्री हो गई, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, सिविल सोसाइटी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको लेके ये प्रोग्राम शुरू किया गया था. क्योंकि आजकल आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन लोगों से. अगर ये अच्छी एड्स देंगे, अच्छा एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो डेफिनेटली सिटीजन्स को भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा. क्योंकि मेन एम जो इस मूवमेंट का यही था कि जो हम इतना ज़्यादा नमक खाते हैं, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा रहता है, इंडियंस हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल भी खाते हैं, ऑयल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, इसको हमें अगले 3 सालों में 30% जो है वो कट करना है. तो देखिए ये मूव जो स्पेशली है द ईट राइट मूवमेंट, ये मूव क्यों लिया गया था, क्योंकि स्टडीज ने रिसेंटली बताया कि 60,000 डेथ्स हर साल हमारे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं. और जो इम्पैक्ट है ट्रांस फैट्स का ऑन ह्यूमन हेल्थ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके खिलाफ अवेयरनेस जो है वो जनरेट करें. तो इंडिया भी डेफिनेटली अब कमिटेड है कि जो फूड सप्लाई है, जो प्रोग्रेसिंग हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि ट्रांस फैट को हम एलिमिनेट कर देंगे हमारे देश से 2022 तक, और जो ग्लोबल टारगेट है WHO के द्वारा भी, तो ऑब्वियसली पहले तो इसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग इसकी कंजप्शन कम करें. अब देखिए ट्रांस फैट क्या है. ट्रांस फैट्स बेसिकली एक वर्स्ट टाइप है, फैट्स की सबसे खराब है, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क रहते हैं. आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स हैं, इनको क्रिएट किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जिसमें आप हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स ऐड करते हैं उनको सॉलिड बनाने के लिए. क्योंकि इनको यूज़ करना बहुत ईजी रहता है, बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और ये खाने को एक बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर देते हैं, इसलिए लोग इनको खा लेते हैं. क्योंकि ये सस्ते होते हैं, टेस्टी होते हैं, लेकिन इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. अब जो ट्रांस फैट्स हैं लार्जली ये हाइड्रोजनेटेड जितने आपके वेजिटेबल या फैट ऑयल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे वनस्पति मार्गरेन हो गया, बेकरी शॉर्टनिंग्स हो गई, और बेक्ड या जो फ्राइड फूड्स आप खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्थ के लिए सही नहीं है. इसलिए भी ये जो मूवमेंट है ईट राइट मूवमेंट ये शुरू की गई थी कि ये जो सॉल्ट शुगर ऑयल का कंजम्पशन है अगले 3 सालों में हमको इसको रोकना है. इनफैक्ट एक ग्रीन पर्पल इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ग्रीन पर्पल इनिशिएटिव. ये जो ग्रीन पर्पल इनिशिएटिव है यहाँ पे बेसिकली जो खाना बनाते हैं रेस्टोरेंट में शेफ जो होते हैं उनको क्वालिफाई करने की बात की गई थी कि वो इस तरह का खाना कुकिंग मेथड्स लेके आए जहाँ पे हम ट्रांस फैट फ्री कुकिंग को प्रमोट करें. ये 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम था जहाँ पे की एरियाज थे कि ट्रांस फ्री कुकिंग जो है वो प्रमोट करनी है, लेस सोडियम यूज़ करना है, हाइजीनिक खाना यूज़ करना है, सीजनल या इको फ्रेंडली और लेस एनर्जी कंज्यूमिंग कुकिंग मेथड्स को प्रमोट करना है. और जो शेफ्स थे इसके बाद वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस के वो प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था. तो ये इनिशिएटिव ग्रीन पर्पल इनिशिएटिव भी इसी को लेके शुरू किया गया था. इसके बाद गवर्नमेंट का एक और आप स्कीम ही कह लीजिए, फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम FSM. अभी FSM क्या थी, यूनियन मिनिस्ट्री जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इन्होंने लॉन्च किया था फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम. ये किसके साथ, जो ईट राइट जैकेट ईट राइट झोला जो है उसके साथ इसको लाया गया था. यहाँ पे भी मेन क्या था, फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की फूड जो है सेफ फूड रहे, और स्केल अप ईट राइट इंडिया मूवमेंट के साथ इसको स्केल अप किया गया आगे. अब FSM स्कीम क्या थी, यहाँ पे स्मॉल मीडियम स्केल फूड बिजनेस जो हैं उनको सेफ्टी लॉज के बारे में बताया, अवेयर किया कि रजिस्ट्रेशन हाइजीन रेटिंग्स और ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा जो इनको मानेंगे. इस तरह से ये जो आपका ईट राइट जैकेट था इसको फील्ड स्टाफ के लिए यूज़ किया गया, उनके द्वारा जो फील्ड स्टाफ के द्वारा यूज़ किया गया. ये जो जैकेट थी इसमें एक स्मार्ट डिज़ाइन था, जो हाईटेक डिवाइसेस होते हैं आपका QR कोड रहता है वो इसके साथ रहता था आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए. और ईट राइट झोला है ये एक रीयूजेबल क्लोथ बैग था जो कि प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करेगा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और बाकी रिटेल चेन्स के लिए. तो यहाँ पे इको फ्रेंडली मेथड भी यूज़ किया जा रहा था. तो डेफिनेटली ये जो रिपीटेड यूज़ है इस झोले का, क्योंकि ये जो बैग्स हम अब प्लास्टिक बैन हो रहा है तो सेम बैग्स को बार बार शॉपिंग के लिए ले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्यों और इसलिए उस कपड़े को रेगुलर वॉशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ये अवेयरनेस दी जा रही थी.
और ये जो क्लोथ बैग्स हैं इनको रेंटल बेसिस पे भी दिया जा रहा था प्राइवेट टेक्सटाइल रेंटल सर्विसेज द्वारा. तो एनीवे यहाँ पे मैं कुछ स्कीम्स बता रही हूँ जो फूड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने चलाई हैं, बट मेन पर्पस यहीं पे यही है कि फूड जो है आप हेल्दी खाइए और सेफ फूड खाइए. तो वे फॉरवर्ड इस चीज़ के लिए क्या हो सकता है, पहले तो जो स्कूल्स और पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी कराएं जिससे ओबेसिटी कम होगी, फैटी लिवर के इश्यूज कम होंगे. और जो कॉम्बिनेशन है हेल्दी फूड का, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे डेली करेंगे, हम लोग सिटीजन्स डेली करेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे. तो यहाँ पे लास्ट में आपको FSSAI के बारे में बता दूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है. तो इनके साथ की प्रोसेसेस रहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स है फूड प्रोडक्ट्स के लिए वो सेट करते हैं, सेफ फूड प्रैक्टिसेस के बारे में ध्यान ये डेवलप करते हैं, फूड बिजनेस को लाइसेंस देते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं रेस्टोरेंट्स में जितनी होती हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, ट्रेन बिल्ड कैपेसिटी और सिटीजन्स तक भी पहुंचते हैं. बहुत सारे केसेस हैं, एक दो फेमस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स भी इनके रहे हैं. कुछ लैंडमार्क केसेस अगर FSSAI के आप देखेंगे तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी केस आप सबको पता होगा, तो वो इन्हीं के द्वारा किया गया था कि मैगी नूडल्स का रिपोर्ट किया गया था कि उसमें एक्सेस में लेड है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो FSSAI ने उसको बैन कर दिया था. और उसके बाद कैडबरी इंडिया का भी केस आपने सुना होगा जहाँ पे रिपोर्ट किया गया था कि चॉकलेट्स में डेयरी मिल्क में कैडबरी के वर्म्स जो हैं कुछ कीड़े टाइप्स वो निकल रहे हैं, तो FSSAI ने डिक्लेयर किया था कि इसकी पैकेजिंग जो है वो सही नहीं है, उसको एयर टाइट बनाइए और मैंडेटरी कर दिया था कि पैकेजिंग को चेंज किया जाए वरना प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाएगा. तो इस तरह के ये दो बहुत ही फेमस केसेस हैं FSSAI द्वारा. तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी FSSAI लेता रहता है, लाइक हार्ट अटैक रिवाइंड और स्वस्थ भारत यात्रा जो थी, पैन इंडिया साइकिल मूवमेंट शुरू की गई थी ईट इंडिया राइट मूवमेंट के साथ. तो आप देखते हैं कि काफ़ी इनिशिएटिव्स FSSAI जो है इसको फूड को लेके लेता है. तो मेन इसका कंक्लूजन यही है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्थ जो टॉपिक है वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है, और अवेयरनेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपनी फूड हैबिट्स आप अच्छी रखिए. थैंक यू.